हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कोई भी इमेज का बैकग्राउंड कैसे चेंज करें या बैकग्राउंड ब्लर कैसे करें। तो इस वीडियो में मैं आपको जो ट्रिक बताने वाला हूँ, आप उस ट्रिक से बिना किसी ऐप के अपने मोबाइल में या अपने पीसी में अपनी इमेज का बैकग्राउंड हटा सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल वाले आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपको अपने मोबाइल में कोई भी क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। ब्राउजर ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है remove.bg। जब आपके सामने नया पेज ओपन होगा तो आपको यहाँ पर पहले वाले लिंक पर रिमूव बैकग्राउंड फॉर इमेज remove.bg यहाँ पर क्लिक कर देना है। लिंक पर क्लिक करने के बाद जब आपके सामने नया पेज ओपन होगा उसमें आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा अपलोड इमेज, आपको अपलोड इमेज पर क्लिक कर देना है। अपलोड इमेज पर क्लिक करने के बाद जो नया पेज आपको ओपन होगा फिर आपको उसमें से वो वाली इमेज चूज कर लेनी है जिसका आपको बैकग्राउंड हटाना है। फिर वे इमेज प्रिपेयरिंग अपलोड, मतलब अपलोड होने स्टार्ट हो जाएगी। कुछ टाइम बाद वे इमेज आपके अपलोड हो जाएगी। अपलोड होने के बाद जो आपकी इमेज है आपको उसका बैकग्राउंड हटा मिल जाएगा। अगर आपको इसका बैकग्राउंड लगाना है तो आपको यहाँ पर एडिट पर जाना है। एडिट पर जाने के बाद आपको यहाँ पर काफ़ी सारे अच्छे अच्छे बैकग्राउंड मिल जाएंगे। आपको जो उन सभी इनमें से बैकग्राउंड लगाना है आप उसे चूज कर ले। जैसे मैं आपको ये वाला बैकग्राउंड लगा कर दिखाता हूँ। जैसा आप देख सकते हैं कि हमारा पीछे का बैकग्राउंड चेंज हो गया है और हमें बैकग्राउंड थोड़ा ब्लर करना है तो आपको यहाँ पर सेकंड वाले पर ब्लर पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं जो पीछे का बैकग्राउंड है वो थोड़ा ब्लर हो गया है। और आपको अगर ये इमेज डाउनलोड करनी है तो आपको यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, आप यहाँ से इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।